व्योम टीवी में आपका स्वागत है। आप हैं भिखारी पासी जी और यूनियन राजनीति से आप लंबे समय तक जुड़े रहे और बिहार जनता खान मजदूर संघ में आप आज क्षेत्रीय सचिव के पद पर हैं। भिखारी जी, ऐसा क्या आपको लगा कि हमको जनता का सेवा करना चाहिए, वो भी राजनीति के माध्यम से? मैं सबसे पहले व्योम टीवी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं मजदूरों के बीच में हूँ और मजदूरों के दुख सुख सभी में साथ देने के लिए तैयार रहता हूँ और हमेशा हमेशा उन लोगों की लड़ाई लड़े हैं और लड़ते चले आ रहे हैं और हम लोग पीछे हटे नहीं हैं। हमारे जितने पदाधिकारी अधिकारी हैं पीछे हटा नहीं। और आखिर ऐसा क्या प्रश्न है कि बिहार जनता खान मजदूर संघ के ही सदस्य बनने में लोग इंटरेस्ट लें? बंदे में इंटरेस्ट नहीं लेते हमारे बिहार जनता खान मजदूर संघ के जितने पदाधिकारी हैं, चाहे मतलब हमारे वर्कर हैं चाहे जो भी है, संघ में जुड़े हुए अपने जोश खरोश के साथ कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इसी के साथ हमारे बिहार जनता खान मजदूर संघ के लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और मजदूरों को काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। क्या आप आज ये मानते हैं कोलेरी में मजदूर त्रस्त है? हाँ, मैं मानता हूँ मजदूर त्रस्त है हर तरह से। मैं रविवार ड्यूटी की बात करता हूँ, मजदूर जुर्माड़ी के मतलब काम करता है 6 दिन और 7वां दिन दूसरे को दे दिया जाता है संडे और संडे कटौती कर दी जाती है। इसलिए हम लोगों को सारी सुविधाएं प्रबंधन काट लेती है। इसके साथ साथ प्रबंधन जो है मान लिया जाए कुछ समय के लिए कि आपका मेन पावर कुछ और है, कोयला भवन से कुछ देता है और यहाँ पर हमारा जैसे कि जितने हॉस्पिटल हैं हमारे एरिया 3 में सभी का संडे काट दिया जाता है और पता ना वो संडे किसको देता है लोग। यह तो एक आरोप और प्रत्यारोप वाली बात होगी। कभी कभी आप मतलब ऐसा भी लगता है कि यूनियन लोगों पर काफी आरोप लगता आया है क्वार्टर के नाम पे, छुट्टी के नाम पे, प्रमोशन के नाम पे। नहीं, ये गलत बात है कि आरोप लगाने वाले आरोप लगाते हैं। प्रबंधन जितना गलत काम कर रही है उतना मतलब यूनियन के लोग गलत नहीं करता है। क्या आपके द्वारा कोई उनके अगेंस्ट में प्रबंधन के खिलाफ में कुछ ऐसी कार्रवाई की गई कि ताकि आप जो वर्कर हैं उनके दिलों को आप जीत सकें? प्रबंधन के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी गई है, प्रबंधन आज तक उस पर पहल नहीं की है और मजदूरों के बराबर जो मजदूरों के हित के हित में और हित की लड़ाई के लिए लड़े हैं हम, लेकिन प्रबंधन उस पर ध्यान नहीं देती है। अभी दादागिरी और तानाशाही में लगी रहती है। क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान में जो प्रदूषण की समस्या है वहाँ काम करने वाले वर्कर भी अनेक बीमारियों से त्रस्त हैं, इसके लिए क्या आप लोगों को कोई मैंने आवश्यक कदम नहीं उठाना चाहिए? हाँ, आवश्यक कदम उठाया गया। प्रदूषण जहाँ है वहाँ पर आवश्यक पानी छिड़काव के लिए बोला गया, वहाँ पर पानी छिड़काव के लिए बोला गया। यह पानी छिड़काव का जो आप प्रश्न कर रहे हैं ये खानापूर्ति है, वाकई में होता है? होता है, लेकिन बहुत कम जगहों पर देखा जाता है कि होता है, लेकिन अधिकांश होता नहीं है। क्या आप जनता और मजदूर के बीच में खान पर उतर कर कभी देखे हैं कि क्या उनकी वास्तविक स्थिति है? मेरी टीम के साथ मैं गया हूँ, ब्लॉक 4 में गया हूँ, गोविंदपुर में गया हूँ, हर आकाश सिनारी में गया हूँ, हर जगहों पर गया हूँ, देखा हूँ कि वहाँ पर मामला जो है कि सिर्फ बात करने की है, लंबित है। तो ऐसे में एक क्षेत्रीय सचिव होने के बाद आपके द्वारा क्या किया गया? ये मैं प्रबंधन से बार बार वार्ता कर रहा, जीएम से वार्ता कर रहा था, लेकिन जीएम उस पर जो है कि पहल नहीं किया, हाँ करके टाल देता था। इस वजह से मैं अपने जितने हमारे यूनिट के लोग हैं, हम सचिव हैं, सब लोगों को बोले कि फिर मांग पत्र दीजिए और इस पर हम लोग जो है कि वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और मजदूरों के हित की बात करेंगे और वो अपने मांग पूरा करेंगे और लेकर आएंगे। चूंकि जब भी हम बात करते हैं देश की विकास की तो कोयला राजधानी से अछूता नहीं रह सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनेक नेता यहाँ पर आए, राजनेता आए, विधायक स्तर के लोग आए, सांसद स्तर के लोग आए, ऐसी स्थिति में आज भी एक बहुत बड़ा वैकल्पिक स्थिति खड़ा नहीं हो पाया, मजदूर त्रस्त हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उस समय पिछले 4 दशकों की राजनीति आपने देखी है, इस 4 दशक की राजनीति में आपने कोलेरी में काफी परिवर्तन महसूस किया होगा? जी हाँ, मैं जो है कि 1971 से देखे कि मैं हमारा कोलेरी नेक्सटाइल हुआ और नेक्सटाइल होकर कि मतलब कि हमारा कोलेरी जो है कि मतलब कि क्या कहते हैं नेक्सटाइल हुआ और तब से मैं देखता हूँ निजीकरण से हमारा नेक्सटाइल जब इंदिरा गांधी जी की उस समय से मजदूर अभी बहुत खुशहाल में था और वो जो है खुशहाल में था कहने का क्या तात्पर्य है? क्या आज मजदूर खुशहाल नहीं? नहीं नहीं, खुशहाल है अभी भी, लेकिन उस समय जो है ऐसा था कि निजीकरण में था तो हमेशा बंधुआ मजदूर जैसे काम करता था,
12 घंटा 16 घंटा 24 घंटा काम करने के बावजूद भी उसकी मजदूरी और मेहनत सही ढंग से नहीं मिलती थी। तो जब आज स्थिति राष्ट्रीयकरण की ओर हो चुकी है, 4 दशकों का तकरीबन समय पार हो गया, तो ऐसे में विरोध का भाव क्यों? विरोध का भाव इसलिए हो रहा है कि अब जो हमारे की जो सरकार बदल रही है अपना निजीकरण के लिए लेकर के भाग रही है कि मैं निजीकरण के तरफ चलूंगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मजदूर कोलेरी का काम छोड़कर घर में आकर बैठे रहते हैं उन्हें भी काम करना चाहिए? हाँ, तो कोलेरी का मजदूर कोई काम घर में आके बैठता नहीं है, ये प्रबंधन अपने घर में काम खटा रही है, प्रबंधन सब दे और प्रबंधन घर में एक एक प्रबंधन घर में 10-10 को 5-5 को 20-20 को लेबर खट रहा है, वो कहाँ जा रहा है उसको भी देखना चाहिए। मतलब आप ये मानते हैं कि प्रबंधन पे की भी लापरवाही है? लापरवाही सो रहा आना है। तो क्या आप मजदूरों की लापरवाही कहीं नहीं लेते? नहीं, लापरवाही मजदूरों की मैं नहीं लेता हूँ। ऐसे स्थिति में क्या आप पूर्ण रूप से निजीकरण के खिलाफ हैं क्या? हम निजीकरण के खिलाफ हूँ और रहूंगा। ऐसा क्या परिस्थिति आपके, आपको लग रहा कि निजीकरण बिल्कुल हमारे देश के लिए सही नहीं है? हमारे यहाँ जो है निजीकरण में हमको मिलेगा 14,000, 15,000, 8,000, 6,000 और हमको हमारा जो है कि नेशनलाइज जो हो जाता है, चाहे हमारा नेशनलाइज है राष्ट्रीयकरण में हम लोग हैं तो हम लोग मिलता है 40,000, 45,000, 50,000 जैसा। व्यक्तिगत रूप से आपके द्वारा कोई प्रयास किया गया क्या ये निजीकरण के विरोध में? क्या निजीकरण के अगर कोई सरकार किसी चीज का निर्णय ले रही है तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है कि वो सोच रही होगी कि देश का वो विकास करे। नहीं, ये आपका जो सरकार अभी ले रही है कि विकास देश करेगा, विकास देश नहीं करेगा, मजदूरों को और गरीबों को मतलब चूसने का काम करेगी। दूसरी और ये भी देख रहे हैं कि प्रति आपका उत्पादन का जो स्थिति है टन में गिरता चला जा रहा है, तो क्या कोलेरी को छोड़ दिया जाए? नहीं, कोलेरी को छोड़ा क्यों जाए, हम लोग उत्पादन करेंगे, हम लोग मिलजुल के करेंगे, लेकिन उस पर प्रबंधन को चाहिए कि मतलब जो कोलेरी चोरी हो रही है, कोयला चोरी हो रहा है, सब कुछ चोरी हो रहा है, उस पर भी बाध्य करें और वहाँ पर रोक लगावे। अच्छा, एक जनता मजदूर होने के नाते, जनता और मजदूर दोनों के दर्द को आपको समझने के नाते, क्या आपको लगता है भिखारी पासी जी बिल्कुल एक जनता के दिलों को समझने वाले नेता हैं या बिल्कुल महज कहने के लिए नेता हैं? नहीं, मैं मजदूरों के गरीबों के दिलों को छूने वाला, देखने वाला, सुनने वाला हूँ, कहने के लिए ये भिखारी पासी नेता नहीं है। अच्छा, चूंकि आप देख रहे हैं HMS और NTEC ये दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं यूनिट जो कि जुड़ी हुई है कोलेरी राजनीति से, तो HMS से जोड़ने का क्या कारण रहा आप लोगों का? हमारा संगठन जो बना HMS हिंद मजदूर सभा से, उसमें जो है कि NTEC और जो है कि आपका हिंद मजदूर सभा, ये दोनों जो है कि मतलब कि उस समय तक लड़ी और इसको बनाया गया कि हमारा जो है कि हम लोग सुचारू, हम लोग करे वो सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन वो चल नहीं रहा, मैं चलाया गया उसको जो माने की प्रबंधन अपने रवैया के धर्म नारुष रहा और मजदूरों का काम छीनते रहा और हमेशा जो माने की मजदूरों के दुख को जो है कि बराबर जो है कि दबाते रहा और मजदूर अपना दुख को जो है कि उनके सामने रखते गए, लेकिन प्रबंधन सुना नहीं। अब मैं निजीकरण के खिलाफ, क्या नाम है, हाँ, निजीकरण के खिलाफ हूँ और रहूँगा और हमेशा रहूँगा। जब हम कोलेरी की बात करते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि आए दिन दुर्घटना और मजदूर दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची बन गया है। क्या बिहार जनता खान मजदूर संघ के द्वारा सुरक्षा संबंधी कोई स्टेप लिया गया क्या? जी हाँ, सुरक्षा संबंधी स्टेप लिया गया हर जगह। फिर दुर्घटनाएं क्यों बढ़ी है? दुर्घटनाएं बढ़ी की मतलब की प्रबंधन की लापरवाही से, और प्रबंधन की लापरवाही सारी दुर्घटनाएं होती है और होती रही है। जैसे जाइए आप जो आउटसोर्सिंग में, उसका बेंच सही नहीं बना है, ट्रक सही नहीं बना है, ट्रक चलाने का रोड चलाने का ये नहीं है, हाँ। और मैं हमेशा जो है कि मतलब कि हम लोग बराबर जो बिहार जनता खान मजदूर संघ के लोग जो है कि वहाँ पर जाकर के क्या आप इस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि जब किसी का बेटा या जिसका पति या किसी का पिता खान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, ऐसे स्थिति में आपको नहीं लगता है कि आपके यूनियन के द्वारा कुछ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया जाता ताकि उनकी नौकरी उन्हें मिले? हम लोग बराबर लिए हैं, अगर बराबर लिए हैं और लेते आते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई जो है मतलब घटना हो गई और कोई की मृत्यु हो गई, वहाँ पर सबसे पहले बिहार जनता खान मजदूर संघ के लोग बैठ जा करके वहाँ की देखभाल करता है, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ उसकी सब देख लेता है, इसके बाद जो है कि आपका अगला स्टेप लेता है। और बिहार जनता खान मजदूर संघ हमेशा उस पर रहा। अभी दुर्घटना हुई थी प्रबंधन की लापरवाही से, रोड एक्सीडेंट हुआ था, उस पर भी मतलब बिहार जनता खान मजदूर संघ के लोग जाकर के वहां पर स्टेप लिया
और उसको भी मतलब नौकरी। एक प्रश्न यह उठता है भिखारी पासी जी कि आखिर इतना यूनियन की क्या जरूरत है कोलेरी में? जैसे आप टाटा चले जाएं, डीवीसी चले जाएं, वहां पे कुछ सर्टिफाइड यूनियन ही है, लेकिन बीसीसीएल में आपको नहीं लगता कि यूनियन के कारण मजदूरों की स्थिति पहले से बिगड़ी है? हाँ, तब बीसीसीएल में अगर ये अपना प्रबंधन जो है अगर तानाशाही नहीं चलाएगा, अगर एक के एक एक तो दूसरे फोड़ करके वो श्रमिक संघ बना दिया, कोई और बना दिया, कोई उल्लू बना दिया, कोई पाठा बना दिया, ऐसे यूनियन बना के चल रहा है और ये सभी लोगों को जुटा के रखता है, अपन पहलवान जुटा के रखता है कि इसे करके तोड़ेंगे तो हमारी हमारा जो हमारी बीसीसीएल चलेगा और हम लोग के पक्ष बनेगा, कोई मतलब यूनियन वाले जो बाकी। बीसीसीएल प्रगति की ओर है या विनाश की ओर? नहीं, बीसीसीएल तो अभी हम बोलेंगे कि प्रगति की तरफ है, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी कहने पर बीसीसीएल विनाश की तरफ जा रही है। किन योजनाओं को और कैसा कौन सा स्टेप है जिससे आप नरेंद्र मोदी पर इतना लंबा हमला कर रहे हैं? हमला इसलिए विचारों और शब्दों का जो आपके द्वारा हमला किया जा रहा है कोलेरी पर, ऐसा क्या स्थिति है? ऐसा है कि हमको अभी भी अभी डीसी लाइन बंद की गई थी, इसको जो है डीसी लाइन को बंद किया, लोग जाके बिहार जनता खान मजदूर संघ के लोग दिल्ली में धरना दिया, कौन जगह पर जंतर मंतर पर जाके धरना में बैठा, वहां पर जाकर के भाषण हुआ, सब कुछ हुआ, जेल में गया लोग, हम लोग को पकड़ के ले गया लोग, महामंत्री रणवीर सिंह को उठा के ले गया, वहां पर सारी बातें हुई, तो ट्रेन चालू शुरू हुआ, लेकिन वहां से जितनी मतलब वहां से बसुरिया से लेकर के या चंद्रपुरा तक रेल लाइन उखाड़ने की बात थी, ये लोग जो है कि रेल लाइन उखाड़ने की बात हमेशा किया लोग कि हम लोग, लेकिन बिहार जनता खार मजदूर संघ के लोग वहां पर जो है कि चढ़ चढ़ भर के हिस्सा लेकर के उसको रुकवाने का काम किया, और हम लोग ये को सेलो बना है हमेशा जो हमारे प्रबंधन, ये जो है कि प्रबंधन की लापरवाही से आपका सीएसपी जो बना है तोड़ एक बेड छोड़ा जाता है, दो बेड छोड़ा जाता है, तीन तीन बेड तोड़ तोड़ के उसको हटा देता है, फिर बनाता है, हटा देता है, बना देता है, उसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन अरबों का पैसा जो इसमें लूट जाता है। चूंकि हम लोगों ने भिखारी पासी जी को एक मुलाकात की कड़ी के अंतर्गत जानने की पूरी कोशिश की, यह मजदूर से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, चार दशकों में इन्होंने कोलेरी को देखा है, आइए जानते हैं अंत में इनके दिल में आखिर छुपा हुआ क्या है, क्या यह चाहते हैं, आखिर बिहार जनता खान मजदूर संघ का सदस्य एक मजदूर किसी कोलेरी में बने तो क्यों बने? भिखारी पासी जी जरा यह बताएं। मैं स्वर्गीय सकल देव से 1982 में इसकी स्थापना बिहार जनता खान मजदूर संघ की स्थापना हुई, तब से मैं राजनीति में आया और अग्रसर वो हमको जो है अग्रसर आगे हम लोग बढ़ते रहे, हमारे जितने लोग थे अग्रसर आगे बढ़े लोग, और हम लोग सकलदेव बाबू हमारी कर्मठता हमारी चढ़ बढ़ करके जो हिस्सा लिए उसको देखते हुए हमको सलाहकार समिति सदस्य और क्षेत्रीय सचिव बनाए और हमेशा जनवाड़ी की हमको मान सम्मान दिए। इसके बाद रणविजय बाबू हमको मान सम्मान देते आ रहे हैं, वो अपने कलम के द्वारा हमको सदस्य सलाहकार समिति सदस्य बनाए और इसके बाद क्षेत्रीय सचिव बनाए, केंद्रीय संगठन सचिव बनाए, क्योंकि हमारे कर्तव्य को देखते हुए, हमारे कर्म निष्ठा को देखते हुए और श्रमिकों में जो काम करते थे उसको देखते हुए वो हमें तीन को पद दिए, मैं उनके लिए बराबर शुक्रगुजार हुआ और मैं अक्सर आगे बढ़ते रहा और मजदूरों का काम करते रहा। चलिए आप व्योम टीवी पर आए हैं भिखारी पासी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि जिस तरह कोलेरी की राजनीति से आप जुड़े हैं, जनता के दिलों को हमेशा टटोले और उनके दुख दर्द को आप समझते रहे, बहुत बहुत शुभकामना व्योम टीवी के अनुसार। धन्यवाद।